पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ आला अधिकारी झूठी बयानबाजी कर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया था कि मंडी के सुंदरनगर में 2200 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल हवाई अड्डे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा अति शीघ्र करवाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बताए कि ये प्रोजेक्ट किस स्टेज पर पहुंचा है और इसके लिए कितना धन उपलब्ध हुआ है, इसकी पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनता के सामने लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब सरकार में बैठे आला अधिकारी व मंत्री सरेआम बयानबाजी कर रहे हैं कि हवाई अड्डे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सारे प्रकरण में प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति जारी करके बताना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा स्वीकृत हुआ है और इसका शिलान्यास कब हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह प्रदेश सरकार के मंत्री व सांसद सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि चंबा में भी अति शीघ्र सीमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने पूछा कि वे बताएं कि उस सीमेंट प्लांट का क्या बना तथा उसके लिए किस जगह को चयनित किया गया है। उन्होंने ना तो हवाई जहाज के किराया कम करवाया और ना ही हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो सका है। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को वोट हासिल करने के लिए भ्रमित बयानबाजी ना करें। बाली ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई यात्रा कर सकेगा, लेकिन आज तक कांगड़ा शिमला व मंडी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो हवाई चप्पल पहनकर हवाई सफर कर रहा हो, क्योंकि कांगड़ा से दिल्ली जाने के लिए 15,000 से 20,000 रुपए तक का किराया साधन संपन्न व्यक्ति नहीं दे पा रहे हैं, तो आम आदमी क्या देगा। उनको कोई भी स्टेटमेंट देती बारी जो है वो अच्छी तरह से सोच समझ के देना चाहिए। मैं कई दिनों से अखबारें पढ़ता हूँ तो मुझे चिंता भी होती है और दुख भी होता है कि एक तरफ आप लिखते हैं कि जी सीमेंट प्लांट का उद्घाटन इस महीने में इतनी तारीख को हो जाएगा। मैं चंबा गया था, लोग कह रहे जी कब होगा, मुझे तो पता नहीं कब होगा, मैं कई सालों से सुन रहा हूँ। ऐसे ही जब से सरकार बनी है मैं रोज कई स्टेटमेंटें पढ़ चुका हूँ जो जिम्मेवारी की पोजीशन पे लोग हैं कि 2200 फिगर भी दे दी कि 2000 से ऊपर 2200 कितने करोड़ रुपए का जो एयरपोर्ट है वो मंडी में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भैया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परिभाषा समझते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी तक चंडीगढ़ नहीं बन सका, मतलब अभी मुश्किल से बन रहा है। तो आपने परिभाषा बोलती बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा तो पहले हमें बताएं जो हमारे टाइम पे उसका हमने सर्वे कराया था उसी जगह का वहीं पे ये कह रहे हैं, तो उसमें रिजेक्ट क्यों हुआ और अब जो है सिलेक्ट क्यों हुआ। ये सारी चीजों के ऊपर चिंता करने का, चिंतन करने का सरकार को समय आ गया है, एक साल होने जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि ये जवाबदेही के लिए अपनी तैयार हो जाए और जवाबदेही। पूर्व परिवहन मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने चुनावों को देखते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए हैं, लेकिन अभी भी तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अभी सरकार को तेल पर वैट कम कर देना चाहिए, कच्चे तेल की कीमत जब कम थी तब भी दाम ज्यादा थे जिन्हें सरकार को कम करना चाहिए था। पूर्व परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार ने जो किराए में बढ़ोतरी की थी उसका सीधा असर आम युवाओं और बेरोजगारों पर पड़ रहा है। वो मेनली जो है 2-3 इश्यूज के ऊपर है कि मैंने ये कहा कि जो लोग मैं जो पहले कहता था कि वैट की कटौती कर करके किराया जो है वो कम करना चाहिए, अब उस वक्त तो सबने किराया जो है वो 25% तकरीबन सरकार ने अपने विवेक से बढ़ा दिया और फाइनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शन आई और उस डायरेक्शन के ऊपर वैट कम किया गया तो उससे कोई लाभ जो है लोगों को नहीं हुआ, गरीब आदमी की जेब कटी, 3 रुपए से 6 रुपए मिनिमम किराया हुआ, 25% किराए बढ़े। अब हमारी मांग ये है कि उन किरायों को, क्योंकि 5 रुपए तेल कम हो गया, उसको रोल बैक करें और सरकार से और भी हम निवेदन करते हैं कि इसको 5 रुपए से बात नहीं बनेगी, 10-15 रुपए इसको कम करें डीजल और उसको वैट और बाकी टैक्सेस कम करके। और जो ऑयल कंपनीज हैं जिन्होंने काफी प्रॉफिट बनाया जब क्रूड सस्ता था तो उनको बोले कुछ देर के लिए कंपनसेट करें,